हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चंदना और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टे कोर्की की जेल मेकअप रिमूवर की रिव्यू। इसके पहले भी मैंने अपने पर्पल हॉल में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने फर्स्ट टाइम इसको परचेज किया है एंड इसको यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों को इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर हेल्पफुल होगा तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो बातें कम करते हैं और काम शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है ये वाला प्रोडक्ट, स्टे कोर्की की टेक इट ऑफ मी जेल मेकअप रिमूवर। वैसे तो मैंने अभी तक गार्नियर का मसेलर वाटर यूज किया है जो मुझे काफी 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 पसंद आया है। सो मैंने इस टाइम देखा कि जेल मेकअप रिमूवर कैसा होगा, तो इसको एक बार ट्राई करके तो देखना ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बहुत ही माइल्ड है स्किन पर एंड बहुत अच्छी तरह से आपके मेकअप को रिमूव कर देता है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके से है, एक ब्लैक कलर की ट्यूब फॉर्म में आता है जिसका कैप है, ऐसे फ्लिप फ्लॉप कैप है इसका, टिप टॉप कैप। इसमें आपको मिल जाता है 100 ml का प्रोडक्ट एंड इसका प्राइस है 225 rupees, जो purple.com में आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। सो इसमें आपको मिल जाता है टोटल 2 years की शेल्फ लाइफ एंड इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ये निकल गया है, आप देख सकते हो कि ये व्हाइट कलर की जेल बेस फॉर्म में है एंड बहुत ही माइल्ड एंड हल्का वाला एक फॉर्मूला है। इसका टेक्सचर जो है इसका हल्का वाला है एंड इसका स्मेल बहुत 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 ही काफ़ी सुंदर है। बहुत ही मीठा वाला एक स्मेल इसमें से निकलता है एंड कुछ शैम्पूज़ मैंने यूज़ किए थे बहुत पहले जिसका स्मेल बिल्कुल इस तरीके से है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये शैम्पू है। मुझे इसका कलर मैंने इसका टेक्सचर काफ़ी पसंद आया है। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको लगा के मैंने जो मेकअप किया है अभी मैं उसको रिमूव करूँगी आपके सामने ये जेल को यूज़ करके। तो चलिए देख लेते हैं। सो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट अभी लिया है हाथ पर, एक कॉइंसेंस अमाउंट में लिया है एंड इसको मैंने अपनी पूरी फेस पर अभी धीरे धीरे हल्का करके मसाज करूँगी एंड मेकअप को रिमूव करूँगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा तो मैं ले लूँगी। तो मेकअप को थोड़ा सा ही रगड़ने के बाद ही मैं देख पा रहे हो आप कि मेरा जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी निकलना स्टार्ट हो गया है एंड मैं धीरे धीरे करके अपने लिपस्टिक एंड काजल को भी निकालूंगी। एंड इसको टेस्ट करने के लिए मैंने आईज़ पर जो वाटरप्रूफ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, वाटरप्रूफ मस्कारा, काजल एंड आईलाइनर यूज़ किया था एंड ये इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम चुटकियों में निकाल दिया है, आप देख पा रहे हो। तो ये बहुत ही जेंटल था मेरी फेस पर, ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्श था एंड कोई लाउड स्मेल भी नहीं था जिससे आँख पर प्रॉब्लम हो या जले एंड बहुत ही क्लियरली फेस को रिमूव कर दिया है, आप देख ही पा रहे हो। अभी मैं एक वेट टिश्यू की मदद से जो भी मेकअप निकल गया है उसको धीरे धीरे रिमूव कर लूँगी एंड वन स्वाइप में ही पूरा मेकअप जो आप देख पा रहे हो निकल गया है, सारे फाउंडेशन वगैरह। काजल को भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल दिया एक ही स्वाइप में। वैसे तो काजल निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड बाकी सारे जो मेकअप रिमूवर है वो आँख पे देने में थोड़ा सा वो जलने लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ये नहीं था। तो मेरे लिए तो ये दी बेस्ट प्रोडक्ट था, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा एक बार। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर पसंद आ गया है तो आपको तो पता ही है क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सा लेके। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।